हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो ग्रुप सी की आपकी वेरियस पोस्ट हैं जिसके दोबारा से ऑनलाइन फॉर्म हो स्टार्ट हो चुके हैं। मेन एग्ज़ाम के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म हो दोबारा से शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है बिना किसी गलती के। जितने भी सी ई टी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उस सभी कैंडिडेट इसके लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा से आपको अप्लाई करना है मेन एग्ज़ाम के लिए। कंप्लीट प्रोसेस में आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे आपको जो है अपना फॉर्म फिलअप करना है बिना किसी गलती के। वीडियो सिर्फ आपको अंत तक जरूर देखनी है। यह मैंने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की HSC की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली है। इसका जो डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है डायरेक्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद न्यू कैंडिडेट के ऑप्शन पर पहले आपको क्लिक करना है। देखिए, जो इसकी जो अप्लीकेशन फ़ीस है वो जीरो रहेगी। जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसके लिए जीरो फीस इसमें रखी गई है। उसके बाद वैकेंसी की बात करें तो इसमें जो आपकी वैकेंसी है 31,998 वैकेंसी हैं, जिसमें से कुछ पोस्ट का रिजल्ट आ चुका है, कुछ पोस्ट है उनका रिजल्ट अभी बाकी है और कुछ का एग्ज़ाम होने वाला है दोबारा से, तो उनके लिए दोबारा से आपको अप्लाई करना है। कैसे आपको अप्लाई करना है वो मैं आपको इस प्रोसेस में दिखाने वाला हूँ। वीडियो सिर्फ आपको जो है अंत तक ज़रूर देखनी है। यहाँ पर न्यू कैंडिडेट पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो आपका ग्रुप सी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है और चेक डिटेल रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे चेक डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है आपका यहाँ पर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दिखाएगा। उसके बाद सेंड OTP पर आपको क्लिक करना है। आपके पास OTP सेंड किया जाएगा। OTP ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है OTP डालना है। मेरे पास आ चुका है। उसके बाद वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आपको दिखा देगा, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर नेम, मदर नेम। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर आपने दे रखा है उस पर आपके पास जो है आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड वो सेंड कर दिया गया है। उसके बाद नीचे आना आपको। आने के बाद इसका जो आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से प्रोसीड टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी, जो आपकी यूज़र आईडी वो डाल देंगे और जो आपके पास पासवर्ड वो आया है पासवर्ड यहाँ पर डाल के आपको दोबारा से लॉगिन करना है। देखिए, जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो अपना पासवर्ड चेंज करना होगा। पहले आपको वो पासवर्ड डालना है जो आपके पास आया है। उसके बाद आप न्यू पासवर्ड बना सकते हैं। न्यू पासवर्ड को आप दोबारा से कन्फर्म करेंगे और चेंज पासवर्ड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे आपका अकाउंट चेंज हो चुका है, पासवर्ड आपका चेंज हो चुका है। उसके बाद दोबारा से यूजर आईडी, उसके बाद पासवर्ड जो आपने बनाया है वो डाल के और लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है दोबारा से। देखिए, जैसे ही आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तो आपकी प्रोफाइल वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आपको दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद ये 3 डॉट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए, जैसे 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिया गया है, इस पर एप्लीकेशन के फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म के पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके स्टेप दिखाएगा। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल डालनी है, सेकंड में रजिस्ट्रेशन डिटेल डालनी है, उसके बाद मेलिंग डिटेल डालनी है, कैटेगरी डिटेल, उसके बाद क्वालिफिकेशन, फोटो सिग्नेचर कन्फर्म। उसके बाद यहाँ से आपको जो है पहले स्टेप के लिए प्रोसीड टू फिलअप के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसमें आपका जो है पहले डिटेल आपको जो फिलअप आपकी जो पहले से यहाँ पर डिटेल है वो यहाँ पर आपको दिखाएगा। पर्सनल डिटेल को आप अच्छे से चेक कर लेना यहाँ पर आपको दोबारा से। देखिए, उसके बाद जैसे ही आप डिटेल चेक करेंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिया गया है, आप मैरिड हैं अनमैरिड है, वो यहाँ पर फिलअप करके आप सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर आपको दोबारा से क्लिक करना है। उसके बाद देखा, जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है आपकी कैटेगरी आपको दिखा देगा, जो आपकी आपकी कैटेगरी है सभी डिटेल आपकी पहले से दिखा देगा जो आपने भर रखी है। उसके बाद कुछ भी चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर आपको दोबारा से जो है क्लिक करना है। जैसे दोबारा से ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है। यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले यहाँ पर जो है मेरा डोमिसाइल हरियाणा का, तो यहाँ पर यस नहीं किया मैंने, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट है अपना जो है अपलोड करना होगा। जैसे कि अपना डोमिसाइल अपलोड करना है आपको। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए, जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पर आप डाल देंगे अपना जो परमानेंट एड्रेस वो डालना है। उसके बाद यहाँ पर अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसके लिए जो अप्लाई कर सकते हैं, सभी स्टेट दी गई हैं। उसके बाद अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको पहले डिस्ट्रिक्ट डालना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका लगता है सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको दिए गए हैं, अपने अकॉर्डिंग आप डाल देंगे। उसके बाद तहसील अपनी जो भी आपके लगती है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे आप।
उसके बाद यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालना चाहते हो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक करना है। उसके बाद देखिए जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है अपनी पोस्ट फिलअप करनी है। पोस्ट आपको सेलेक्ट करनी है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। कैटेगरी 1 से 20 तक यहाँ पर दी गई है, जैसे कि सेक्शनल ऑफिसर है सिविल की, यहाँ पर जैसे कि इसके लिए डिप्लोमा आपसे मांगा गया सिविल इंजीनियर के साथ ही, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उस पर यहाँ पर आपको ऐसे क्लिक करना है। अगर नहीं एलिजिबल है तो सिंपल आप उसे ब्लैंक छोड़ देंगे। यहाँ पर जो है अपने अकॉर्डिंग आप जिसके लिए एलिजिबल हैं, क्वालिफिकेशन साथ में दी गई है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उस पर टिक का निशान आपको डाल देना है। जैसे कि यहाँ पर सभी जो हैं 1 से 20 नंबर तक आपको यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो सभी यहाँ पर आपको जो डिटेल वो दी गई हैं, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पोस्ट और सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पर आएंगे ऑडिटर की पोस्ट नीचे 81 से 100 कैटेगरी तक यहाँ पर दी गई है। इसके लिए ग्रेजुएशन मांगी गई, कॉमर्स के साथ आपने कर रखी है तो टिक का निशान डाल देंगे इस पर। उसके बाद इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद कैटेगरी 301 से 320 तक यहाँ पर दी गई, जैसे कि असिस्टेंट की पोस्ट है। उसके बाद नीचे आएंगे तो असिस्टेंट की पोस्ट है दोबारा से, इसके लिए अलग से क्वालिफिकेशन है। इसमें सेकंड डिवीजन के साथ आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इनके लिए जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उसे यहाँ पर आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे आप। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप जो है नीचे आएंगे तो यहाँ पर सभी पोस्ट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्राम सचिव की भी दी गई, ये सभी पोस्ट आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद नीचे आएंगे तो जैसे जैसे आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो सभी पोस्ट आपको दी गई, इन्हें आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर दोबारा से आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है कैटेगरी नंबर 81 से 100 के बीच में जो है इंस्पेक्टर की पोस्ट है, उसके लिए जो है आपको डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप क्लिक हियर टू सबमिट डिटेल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की जो डिटेल है वो डालनी है, जो भी आपकी ग्रेजुएशन डिटेल है वो यहाँ पर फिलअप करनी है, और ग्रेजुएशन की जो आपकी मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। यहाँ पर ऐसे ही आप डिटेल डाल देंगे, जैसे 10th क्लास में आपने हिंदी का सब्जेक्ट आपके पास वो यहाँ पर उसी की डिटेल आपको डालनी है। उसके बाद नीचे आएंगे प्लीज़ अपलोड योर सर्टिफिकेट, जो है आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा यहाँ पर। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक करना है आपको। उसके बाद देखिए सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपकी डिटेल आपको दिखाएगा। उसके बाद यहाँ से सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, उसके बाद देखिए जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना आपको दोबारा से ही। उसके बाद जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपकी पोस्ट दिखा देगा, जैसे मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के एक ही पोस्ट यहाँ पर डाली है, ऐसे सभी पोस्ट यहाँ पर आप डाल देंगे, ऐड पर क्लिक करके डाल देंगे। उसके बाद इसमें देखिए कोई ऐप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए सभी जानकारी को अच्छे से आपको पैन शॉट डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर आपको एक सबमिट का ऑप्शन दिया गया, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको फॉर्म अपना फाइनल सबमिट कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल सबमिट करना आपको, ये ऐसे आपका दोबारा से प्रोसेस रहने वाला है, ऐसे ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना है, और मैंने आपके लिए हरियाणा पुलिस पर भी वीडियो बना दी, कैसे आप हरियाणा पुलिस में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस पर मैंने वीडियो बना दी, आप जाके चैनल को चेक कर सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में।